हेलो एवरीवन, आपसे भी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासकर रेलवे, बैंकिंग। बैंकिंग के में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम में भी यहाँ तक के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। महत्वपूर्ण बैंक और उनके हेडक्वार्टर यानी उनके मुख्यालय, दोस्तों बैंक का नाम पूछेगा आपसे, उसकी स्थापना वगैरह, उसका हेडक्वार्टर, उसके हेड सीईओ, ये बहुत तरीके क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो मेनली क्वेश्चन जो बैंकिंग एग्जाम में यहाँ तक पूछेगा कि भी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि बैंक और उसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो जनरली और भी एग्ज़ाम हैं बैंकिंग एग्ज़ाम को छोड़कर, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट हो या दोस्तों कोई भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ओबीसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके हैं, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुरुग्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ये रहेगा। इस जिले का नाम दोस्तों पहले गुड़गांव हुआ करता था, गुरु द्रोणाचार्य की ये नगरी है। 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया। अगला क्वेश्चन है भी, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। सिंडिकेट बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, मणिपाल, कर्नाटक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है भी मणिपाल, कर्नाटक के अंदर सिंडिकेट बैंक का जो हेडक्वार्टर है और जो सभी जगह पर दोस्तों जो है ना इनकी भी ब्रांच हैं। तो सिंडिकेट बैंक रहेगा आपका मणिपाल, कर्नाटक के अंदर ये आपका हेडक्वार्टर रहेगा। कर्नाटक दोस्तों जिसको कि एक प्रमुख शहर यहाँ का है, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली हम बोलते हैं, साइंस सिटी हम उसे बोलते हैं, वैज्ञानिकों का हब भी दोस्तों हम जो है ना भी बेंगलुरु को बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कॉरपोरेशन बैंक दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर, चंडीगढ़, मंगलोर या फिर चेन्नई। तो ये रहेगा भी आपका मंगलोर, कर्नाटक के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मंगलोर के अंदर ही जो ना कॉरपोरेशन बैंक का आपका हेडक्वार्टर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है। तो बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो राइट आंसर इसका रहेगा भी बेंगलुरु के अंदर जो है ना कैनरा बैंक का मुख्यालय है। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अभी तक तीन जो हेडक्वार्टर हैं अभी बेंगलुरु, मणिपाल आपका दोस्तों ये मंगलोर, ये आपके तीनों ही हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक के अंदर रहे हैं। किस किस बैंक के रहे हैं ये ध्यान रखना, कैनरा, कॉरपोरेशन और आपका भी रहेगा ये कैनरा हो गया आपका, मंगलोर वाला कॉरपोरेशन हो गया, और उसके बाद दोस्तों बात करता हूँ मैं यहाँ पे जो आगे आएगा मणिपाल भी आपका कर्नाटक में। तो ये तीन ध्यान रखना, सिंडिकेट, कॉरपोरेशन, कैनरा, तीनों ही आपके रहेंगे भी कर्नाटक के अंदर, स्थान लेकिन अलग अलग रहेगा। जैसे कैनरा आपका रहेगा भी बेंगलुरु में, मणिपाल जो सिंडिकेट बैंक का वो आपका कर्नाटक में मतलब अलग शहर है, और मंगलोर कॉरपोरेशन बैंक का ये भी एक अलग शहर है। उसके बाद आगे चलते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। पंजाब एंड सिंध बैंक, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। तो जो पंजाब एंड सिंध बैंक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये हैदराबाद, चंडीगढ़, अमृतसर, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली इनमें से राइट आंसर रहेगा, नई दिल्ली के अंदर आपका जो ना पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। कमेंट करके बताना दोस्तों आप सभी को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में अपना आंसर जो है वो पिन कीजिएगा। उसके बाद है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपका रहेगा भी चेन्नई के अंदर, इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय ये रहेगा। उसके बाद अगला है इंडियन बैंक। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला क्वेश्चन था इंडियन ओवरसीज बैंक, ये आपका है भी इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में से है पुणे, बेंगलुरु, वडोदरा, चेन्नई। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर रहेगा आपका भी चेन्नई के अंदर, राइट आंसर रहेगा इंडियन बैंक आपका हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अगला अभी यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कोची। तो यूको बैंक दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका रहेगा भी
कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका अभी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, इंदौर, श्रीनगर, लखनऊ, कोलकाता, तो ये भी आपका रहेगा कोलकाता के अंदर। यूनाइटेड और यूको बैंक ये दोनों रहेंगे कोलकाता के अंदर। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ बैंक बचते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक होगा आपका, SBI होगा, RBI होगा। ये दोस्तों कुछ कॉमन क्वेश्चन, RBI का सभी को पता ही, नई दिल्ली में आपका रहेगा। सेंट्रल बैंक का आपको सर्च करके पिन, और एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक है उसका आपको कमेंट करके बताना है, और PNB की स्थापना, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। SBI का आपका दोस्तों जो ना पूरा एक जो SBI से लेकर, यानी एक तरीके से बैंकिंग की क्लास में बताऊं तो मैंने YouTube चैनल पर करवाई हुई है सभी बैंक, उनके हेडक्वार्टर स्थापना, कब उनका दोस्तों गठन हुआ, ये इस YouTube चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी बैंकिंग से रिलेटेड, ये करवाई हुई है पहले भी दोस्तों, मैंने बताया है बैंकों से रिलेटेड। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी आप सभी के एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।